हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में निंजा फाइनेंस टोकन के बारे में बताया था। निंजा फाइनेंस टोकन में कई सारी अपडेट्स आई हैं जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपचंद्र, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया D4C में। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें। वीडियो के लास्ट में मैं NFT का सबसे प्रॉफिटेबल अपडेट डिस्कस करूंगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी अर्न करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि निंजा फाइनेंस 0.4x01 डॉलर की प्री सेल से आज से लगभग 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, जबकि आज निंजा फाइनेंस टोकन की वैल्यू बढ़कर 0.4x061 के आसपास हो गई है, जिसे कि हम पूकॉइन के चार्ट पर इसका करंट प्राइस देख सकते हैं। पूकॉइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, निंजा फाइनेंस टोकन ने अपने होल्डर्स को 2 महीने में लगभग 6x का प्रॉफिट दे चुका है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक NFT बाई नहीं किया है तो आप मेटामास्क और ट्रस्ट वैलेट में पूकॉइन और पैनकेक स्वैप एक्सचेंज से निंजा फाइनेंस टोकन बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको निंजा फाइनेंस की तरफ से नैनीताल के फ्री टूर ऑफर के बारे में बताया था, जिसमें आपको 2.5 BNB का NFT बाई करके मिनिमम 30 डेज के लिए होल्ड करना पड़ेगा, जिससे आपके नैनीताल टूर की सीट 100% कन्फर्म हो जाएगी। ये टूर 3 दिन और 2 रात का होगा, जिसमें आपको 3-5 स्टार होटल में रहने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री में मिलने वाला है। यह ऑफर 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगा। सेकेंड, यदि आप 2.5 BNB का NFT बाई नहीं कर सकते हैं तो आपको कम से कम $50 का NFT बाई करके मिनिमम 30 डेज के लिए होल्ड करना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट 100 बायर्स में से 5 लकी विनर चुने जाएंगे। निंजा फाइनेंस की तरफ से यह दोनों ऑफर अभी भी चल रहे हैं। थर्ड, निंजा फाइनेंस टोकन की तरफ से जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो यह है कि निंजा फाइनेंस के पास टोटल 1 ट्रिलियन टोकन सप्लाई थे, जिसमें से 50% टोकन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं और अप्रैल 15 को इवनिंग 6 PM पे ये 250 बिलियन टोकन और बर्न करने वाले हैं। और NFT के ऑनर ने यह भी बताया है कि अप्रैल 2022 के लास्ट में ये 10 बिलियन टोकन छोड़कर टोटल कॉइन बर्न कर देंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं निंजा फाइनेंस टोकन को बाई कैसे करना है। उसके लिए हमें NFT के कॉन्टैक्ट एड्रेस की ज़रूरत होगी। NFT का वेबसाइट लिंक और कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम निंजा फाइनेंस के टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, जिसमें NFT की तरफ से जो बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि NFT ने आज सुबह ही अपना क्लाउड माइनिंग लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी ही आपका रेफरल भी होगा। मेरी रेफरल आईडी आपको मोबाइल स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। निंजा फाइनेंस टोकन की क्लाउड माइनिंग में हम ओनली NFT ही डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें NFT बाई करना होगा। NFT कैसे बाई करना है वह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकी क्लाउड माइनिंग में 3% का रेफरल भी है, मतलब अगर कोई आपके रेफरल से ऐड होता है तो उसके टोटल डिपॉजिट NFT का 3% NFT आपको मिलेगा। इनका ROI 114% है, मतलब आप 38 डेज तक टोटल डिपॉजिट का 3% डेली विड्रॉल कर सकते हैं। यह क्लाउड माइनिंग 24 आवर्स वर्क करता है और इसमें आपको 24 आवर्स में से नाइट में 11:59 PM से पहले एक बार अपना 3% विड्रॉल निकालना कंपलसरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके 3% NFT लैप्स हो जाएंगे। NFT का क्लाउड माइनिंग ओनली 6 मंथ्स के लिए ही चलेगा। इसमें NFT की तरफ से यह भी प्रॉमिस किया गया है कि क्लाउड माइनिंग के दौरान NFT का रेट 0.4x04 से डाउन नहीं जाएगा। 6 मंथ की क्लाउड माइनिंग को पब्लिक डिमांड पर ऑनर की ओर से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम NFT की क्लाउड माइनिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए हमें जाना होगा अपने ट्रस्ट वैलेट पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने ट्रस्ट वैलेट पे जाएंगे, ट्रस्ट वैलेट ओपन करेंगे। ट्रस्ट वैलेट ओपन करने के बाद राइट कॉर्नर पे 3 डॉट पे जाना है। नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके ऐड टू कस्टम टोकन पे जाना है। नेटवर्क इथेरियम को हटा के स्मार्ट चेन कर देना है। यहाँ पे NFT का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए निंजा फाइनेंस NFT डेसिमल 18 आ जाएगा, इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने देखा कि हमारे वैलेट, जहाँ पे हमारा वैलेट है वहाँ पे निंजा फाइनेंस टोकन आ गया है।
अब हमें इसको निजी फाइनेंस टोकन बाय कैसे करना है, डी एप्स में जाना है, इसके बाद जाना पैनकेक स्वैप एक्सचेंज ओपन करना है। पैनकेक स्वैप एक्सचेंज ओपन होने के बाद यहाँ पे बीएनबी से बाय होना है, जहाँ पे केक लिखा हुआ है इसको ओपन करना है। यहाँ पे एनएफटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देना है, एनएफटी आ जाएगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको जितने बीएनबी का ख़रीदना है, 0.5 बीएनबी का, 0.5 बीएनपी पे 31 लाख के आसपास एनएफटी टोकन मिल रहे हैं। वहीं पर अगर आप 1 बीएनबी का ख़रीदेंगे तो 1 बीएनबी के आपको 57 लाख के आसपास टोटल एनएफटी टोकन मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अभी बीएनबी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये इनसफिशिएंट बीएनबी बैलेंस आ रहा है। जब आपका यहाँ पे बीएनबी होगा तो यहाँ पे इनसफिशिएंट नहीं आएगा, यहाँ पे स्वैप आएगा और आप नॉर्मल स्वैप करके अपना टोकन बाई कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम जानेंगे कि हम निंजा फाइनेंस टोकन में क्लाउड माइनिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ट्रस्ट वॉलेट के डी एप्स में जाके निंजा फाइनेंस सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम निंजा फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके क्लाउड माइनिंग में जाना है। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का और साइनअप का, तो हमें साइनअप करना है। साइनअप करने से पहले जो रेफरल वाला एक बॉक्स है, इसमें आप मेरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ये मेरी रेफरल आईडी है। उसके बाद आप जिस नाम से भी अपना ईमेल आईडी चलाते हैं या जिस नाम से आप क्लाउड माइनिंग में अपना रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी मेल आईडी डालिए और अपना पासवर्ड सेव करके अच्छे से रख लीजिए। यहाँ पे हमारा साइनअप सक्सेसफुल होने वाला है। सक्सेसफुल हो गया, अब हम अपना आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसमें हमें निंजा फाइनेंस टोकन का क्लाउड माइनिंग का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे आप देख रहे हैं कि डिपॉजिट एनएफटी में 5 लाख टोकन डिपॉजिट है। यहाँ पे मिनिमम 5 लाख टोकन आपको बाई करने पड़ेंगे। इसमें हमने 5 लाख टोकन डाल दिए, अभी अप्रूव कर दिए इसको। अप्रूव करने के बाद जैसे ही जाएंगे तो वो हमारा ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट हो गया है। इसको हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा पेंडिंग दिख रहा है या सक्सेस दिख रहा है। अभी हमें बाई पैकेज में जाके डिपॉजिट करना है। ये 5 लाख टोकन अभी हमारे वॉलेट में है, इसको डिपॉजिट करना है। यहाँ पे इंटर डिपॉजिट एनएफटी में 5 लाख टोकन डालेंगे और डिपॉजिट कर देंगे। देखिए हमारा टोकन सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल डिपॉजिट हो गया। अभी तक आपने यहाँ पे देखा होगा डिपॉजिट एनएफटी में 5 लाख टोकन दिख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको 10 लाख टोकन दिख रहे हैं, मतलब हमारा टोकन सक्सेसफुल डिपॉजिट हो गया है। फ्रेंड्स, हम डिपॉजिट करना तो सीख गए हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा जो 3% का रेफरल का जो रिवार्ड मिला हुआ है उसको हम कैसे अपने वॉलेट में रिसीव करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपना ट्रस्ट वॉलेट में एनएफटी में अपना रिसीविंग एड्रेस कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे। कॉपी करने के पास वापस डी एप में जाएंगे, निंजा फाइनेंस सर्च करेंगे। निंजा फाइनेंस सर्च करने के बाद वापस वेबसाइट पे चले जाएंगे निंजा फाइनेंस की। सेम प्रोसीजर पहले जैसा ही है। निंजा फाइनेंस की वेबसाइट में जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके क्लाउड माइनिंग में जाना है। क्लाउड माइनिंग में जाने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने देखा सेम डैशबोर्ड दिख रहा। अभी यहाँ पे देखिए माइनिंग एनएफटी मतलब कि 27105 ऐसा माइनिंग एनएफटी दिख रहा है। अभी हमें जाना है माई वैलेट पे। माई वैलेट पे जाने के बाद ये देखिए 72105 इतना हमें रिवार्ड मिला हुआ है। इस बॉक्स इंटर विड्रॉल एनएफटी में 72105 डालेंगे और नीचे जो हमने एनएफटी का अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस
रिसीविंग कॉन्टैक्ट एड्रेस रिसीव किया था, कॉपी किया था, उसी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और विड्रॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अभी इसका हम स्टेटस चेक करते हैं, देखेंगे हम इसको एक दो बार रिफ्रेश करके दोबारा देखने की कोशिश करते हैं सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। देखिए यहाँ से तो हमारा NFT टोकन कट गया है, वॉलेट से हमारा NFT टोकन कट गया है। अब हम इसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाके चेक करेंगे अभी, लेकिन यहाँ फिलहाल सक्सेस नहीं दिखा रहा है, देखते हैं थोड़ी देर में शायद सक्सेस दिखाने लगेगा। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना सिखा दिया है, बता दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।